मतलब ये एक दुआ बताई जाती है अजान के बाद लोग पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ रिवायतों में आई है उसमें कहा गया है कि सल्लम को मक़ाम महमूद तक पहुँचा दें जिसका तो उससे वादा किया है तो ये मक़ाम महमूद क्या है जिस तक पहुँचाने की हम दुआ कर रहे हैं ये असल में मकाम यहाँ पर जो कुरान मजिद में है ना यबा सा मकाम महमूदा ये मफूल मतलक है यानि आम तौर पर इसको लोगों ने मफूल बही ले लिया है उसका मतलब यह है कि आपका उस दिन उठना यानी जब क़यामत में उठेंगे तो गोया हर तरफ से आपके लिए तारीफ़ होगी क्या कहने क्या बात है उठना यानी जो बासा में फेल है उसी के हम माना फ़ेल से मसदर आ गया है वो आप अगर मेरी तफसीर में देखें आप उस्ताद इमाम की तफसीर में देखें तो हमने इसको इस तरह लिया है तो जाहिर है कि ये रिसालत माँ आप के लिए बहुत बड़ी बशारत है यानी जब आप आमद में उठेंगे तो वो उठना कैसा महमूद होगा कैसा काबिल तारीफ़ होगा कैसा काबिल सना होगा ये अल्लाह ताला ने बशारत दी है इसकी हम दुआ करते हैं आपके लिए इसलिए कि आप ही के, के ज़रिए से दीन बन मिला है आप ही ने वो मशक्क़तें उठाकर इस दीन की पूरी हिफाज़त की है और आप ही हैं कि जिनके तुफ़ैल हम आज पूरे अहतमाम के साथ ये कह सकते हैं और पूरे यकीन और अहतमान के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह की हिदायत हमारे पास मौजूद है तो क्यों ना आपके लिए दुआ करें ये जो द्रूद हम पढ़ते हैं ये भी आपके लिए दुआ है रहमत की दुआ है तो ये सब आपका हक है हमारे ऊपर इसलिए हर मुसलमान अपनी नमाज़ों में आम जिंदगी में ये हम आपका नाम लेते हैं हर दफ़ा ये कहते हैं कि अलैहि वसल्लम ये भी दुआ है ना आपके लिए